अंत में मेरे गोद में ही इसलिए प्राण छोड़ गए यहाँ पर, उस दिन में हम दहलीज के लिए जा रहे थे। तो उस महिला ने स्वयं झेला सारा, लेकिन उसको एक ही दुख था कि मेरे बीमारी में खर्चा हो रहा पैसा, खर्चा हो जा रहा है क्योंकि डायलिसिस में खर्चा होता ही था। और दूसरा ये महिलाओं को आप सोचें, वो कहती थी मैंने कितना विरोधाभास है, वो कहती थी मेरे भाग्य अच्छे होंगे मैं आपसे पहले चले जाऊंगी, आप मेरी अच्छी तरह से विदाई करेंगे, पिछड़ा उड़ा करके और सिंदूर भर करके, यही तो ये विदाई है। और ज़रा देर में कहती थी आप मेरे इतना देख रहे हैं और आपको कौन देखेगा मेरे जाने का। सही बात है, दोनों ही चीज़ें हैं। मुझे बाद में उसको खिलाना पड़ता था, आंखें भी हो गई थी और सारा उसका ले जाना पकड़ करके बाथरूम में। तो फिर बेटे ने, तो बेटा ने फिर मैंने नौकरी छोड़ दी है अचानक आकर के। तो श्रीमती जी इतने कष्ट में रहे, लेकिन मैं कभी बच्चों से शिकायत नहीं करी और हर प्रभाव होता है। अभी भी जो है बड़ा वाला ही जो कुछ कर रहा है, बाकी दोनों को कोई मतलब नहीं है, लेकिन बीमारी में भी कोई ऐसा नहीं। और वो कहती थी कि अगर जब कोई आएंगे तो आप एक शब्द नहीं बोलेंगे कुछ उनसे, क्या उनका घर है आ जा रहे हैं यही बहुत है, कुछ न दें। सही बात। रचनापल्ली से मद्रास से बीच वाला बेटा आता था, खाली हाथ माता था, हम सूर्य उजाले में बैठे और मुझसे पहले कह देते आप मूड खराब मत करना। हाँ, वो कुछ नहीं देंगे तो क्या सोचना मत। फिर कभी कभी कहते अरे वहाँ से आ रहे थे कुछ मसाले ले आते, कभी कभी आपस में, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया। और मेरे तो 50 दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन उसका तो कोई माने उसका स्वभाव ऐसा था कि उसका कोई दुश्मन था ही नहीं। तो ऐसी जीवन संगनी को खो करके मुझे वो उनका 3.5 साल हो गया ना, यथा नाम तथा गुण हो गए, सुशीला नाम है तो शीलता तो पूरी। हाँ, एक गीता प्रेसी पुस्तक भी आदर्श नारी सुशीला, वो भी मैंने उसको पढ़ने को दी थी। अच्छा अच्छा। और दूसरा कभी कभी कहते थे वो रामचंद्र मानस में भी आना है, रामचंद्र जी कहते हैं सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु करो ललित नर लीला। तो कभी कभी मजाक में कहती थी कि मुझे कब तक आग में रहना है, सही आपके राक्षस कब मरेंगे, ऐसा कभी कभी मजाक करती थी वो। लेकिन उसको कभी उसने अपने एक साड़ी नहीं दी मैंने कभी जीवन में, आप सोचिए। और उसने कुछ नहीं किया। तो ये संग्रहालय जो बना है, मुझे लोग कहते थे आपने बड़ा, अरे मैंने कहा मेरा तो इतना है तुम अंदर देखो मेरे कितने मुझे पुरस्कार मिले हैं, 100 से ज़्यादा तो साल हैं और सारे तमगे जितने हैं पूरे, लेकिन उसको तो क्या मिला, वो तो किसी सभा में भी नहीं गई मेरे साथ साथ चलने के लिए। तो इसलिए मेरा एक मानना है, मैं एक इस कहावत तो कहूँगी, हर बड़े काम के पीछे एक महिला होती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सही बात है। संग्रहालय का तो अगर वो नहीं होती, उसके बजाय कोई दूसरी होती, हमारी भी बहुएँ हैं, हर एक की इच्छा होती है कि फ्लैट बन खरीदें, नौकरी करें, पक्की नौकरी करें। और ये प्रकृति ने माता को ये सुहाग दिया है, हिरण भी देखता है कि मेरे बच्चे सुरक्षित रहें, सुरक्षा पहली चीज़ है, मेल नहीं आता कभी बचाने के लिए, जाएगी माँ ही बच्चों को भी, है नहीं जी। और अभी मैं इसमें कभी कोई देखता हूँ नेशनल इस जॉब से माता है, अभी बड़ा पैथेटिक आया था, एक जेवरा ने बच्चे को जन्म दिया और आधे घंटे में वो नर आ गया और उसे छीनने लगा मारने के लिए, और वो ऐसे उसी समय बच्चा दिया है वो, लेकिन उसके बाद वो पूरी सामर्थ्य से उसको देखे बात नहीं नहीं देखिए काम होती रोक रही होगी। हाँ, लात मारे अपने नीचे छिपा गए, लात मारे फिर भी उसने कमबख्त ने उसको मारा और वो इतनी थक गई थी इस में। तो बस ये मैं इसीलिए देखता हूँ, मैं अभी हाथियों का आता है ये भी, मैं कल परसों आया था कि जिस बच्चे की माँ मर जाती है हाथी की, तो दूसरी हाथी नहीं उसकी माँ बन जाती है, ये हाथी भी है देख रेख करती पूरी कितना करते हैं। तो ये संसार जो चल रहा है ना, चाहे हम इसको उस रूप में न लें, लेकिन ये संसार जो चल रहा है वो उसी माँ के प्रेम से चल रहा है, इसलिए तो माँ जैसा रिश्ता दूसरा